सरकार के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर आज शाम 4 बजे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का फेसबुक लाइव का कार्यक्रम था। कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद संगठन के पिपरिया के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से सलाह की एवं सभी का साल एवं श्रीफल देकर स्वागत किया। अपनी पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया, जैसे CAA और धारा 370। जिलाध्यक्ष माधवदास अग्रवाल, लोकतंत्र सेनानी मुल्लू सिंह ठाकुर, वीरेंद्र द्विवेदी, अनंतराम साहू, पूर्व जिलाध्यक्ष संपत मुदड़ा, सुविज्ञा अग्रवाल, हार्दिक चौरसिया, राजेंद्र हरदेनिया, उमेश शुक्ला, प्रशांत रघुवंशी आदि भाजपा के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनधन खाता 5 करोड़ गरीब परिवारों को 3 माह के लिए उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। मनरेगा के तहत 5.65 करोड़ परिवार लाभान्वित। मोदी जी ने मनरेगा से भारत के इतिहास में सबसे अधिक 1 लाख रुपए का करोड़ लाभ। इस निर्णय से प्रधानमंत्री ने लोगों के रास्ता साफ किया जिससे उन्हें दशकों तक वंचित रखा। नागरिक संशोधन कानून जनता से किए गए वायदे को जनता का आदेश पत्र मानकर मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून संसद में पास कराया है। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ना के शिकार भारत में रह रहे हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को हिंदुस्तान की नागरिकता देने का प्रावधान किया। ये जो कार्यक्रम रखा था किस चीज के उपलक्ष्य में था? ये मोदी जी का 1 वर्ष पूरा हुआ दूसरी पारी का। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित श्री जेपी नड्डा, उन्होंने कार्यकर्ताओं को फेसबुक के माध्यम से संबोधित किया था और उसमें जो उपलब्धियां थीं उनका ब्यौरा, पार्टी की रीति नीति, उस दिशा में चर्चा की थी। उसके सुनने के लिए हम सारे लोग यहाँ एकत्र हुए थे। तो फेसबुक पर वो कार्यक्रम आया था, ये पूरे देश में प्रसारण हुआ है और सभी जगह कार्यकर्ताओं ने इसको सुना है और उसके माध्यम से अपना ज्ञान बढ़ाया। कई जानकारी जो नहीं थी वो भी ताजी हो गई। ये जो कार्यक्रम रखा था किस उपलक्ष्य में रखा था? भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बने 6 वर्ष है, द्वितीय सरकार का जब प्रथम कार्यकाल है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे कार्यकर्ताओं संबोधन के लिए 6 साल की केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम कार्यकर्ताओं के बीच में रखे। कार्यकर्ताओं की ये कर्तव्य है कि केंद्र सरकार की 3 गौरवशाली उपलब्धियों को जन जन तक और समाज के अंतिम छोर तक व्यक्ति तक पहुंचाने का दायित्व है। पिपरिया से खबर भारतवर्ष के लिए नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।